नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 जून, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अगले महीने से खंगाला जाएगा 125 करोड़ गाड़ियों की कुंडली। सरकारी स्कूलों के तर्ज पर होगा निजी स्कूलों का निरीक्षण। देश का सबसे बड़ा बापू टावर बिहार की राजधानी पटना में बनकर तैयार। इन टिप्स के इस्तेमाल से बारिश में सड़कों पर नहीं फिसलेंगे गाड़ी के चक्के। बिहार के मेडिकल कॉलेजों के 23 विभागों में होगी बंपर भर्ती। आज सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी भारतीय टीम। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़े खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने लेक्चरर माइनिंग इंजीनियरिंग के रिक्त पदों पर निकाली भर्ती। लेक्चरर माइनिंग इंजीनियरिंग के रिक्त पदों पर बीपीएससी द्वारा भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए योग्यता की बात करें तो जरूरी है कि उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से प्रथम श्रेणी में माइनिंग इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में बीई या बीटेक पास किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना और ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर देखें। अगले महीने से खंगाला जाएगा 125 करोड़ गाड़ियों की कुंडली। कानून में प्रदूषण को लेकर 10,000 रुपये तक फाइन का प्रावधान है। उसके पश्चात भी 90% गाड़ियों के प्रमाण पत्र फेल होते हैं तो वहीं हजारों गाड़ियां ऐसी होती हैं जिसके एक भी कागज ओनर के पास उपलब्ध नहीं होते हैं। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी खराब है। वहीं अब परिवहन विभाग की टीम के सदस्य इस माह के तमाम मामलों को लेकर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में जुटे हैं। 1 जुलाई से राज्य के 14 जिलों की 125 करोड़ गाड़ियों की कुंडलियों को खंगाला जाएगा। किसी भी गाड़ी के इतिहास का पता बस एक क्लिक पर ही चल जाएगा। सभी जिले को 30 जून के बाद 3 से 5 MVI और 3 से 8 मोबाइल दरोगा मिलेंगे। अतिरिक्त MVI की तैनाती होने के बाद प्रत्येक जिले में प्रदूषण में कंट्रोल, राजस्व में इजाफा, ओवरलोडिंग, फर्जीवाड़ा, शराब तस्करी समेत कई अन्य तरह के गैर कानूनी कार्यों में सीधे तौर पर तुरंत लगाम लगाया जाएगा। सरकारी स्कूलों के तर्ज पर होगा निजी स्कूलों का निरीक्षण। शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। बिहार के शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक की जगह नए मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के आते ही कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं अब सरकारी स्कूलों की तर्ज पर निजी स्कूलों का भी निरीक्षण किए जाने का फैसला शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर बिना पंजीयन के चल रहे निजी स्कूलों पर निरीक्षण कर नकेल कसा जाएगा। जिला शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के लिए बनाई गई निरीक्षण टीम ही सभी जगह पर निजी स्कूलों का भी निरीक्षण करेगी। जिला शिक्षा विभाग के अनुसार जिले में 236 ऐसे स्कूल हैं जो शिक्षा विभाग में रजिस्टर्ड हैं, जबकि शेष स्कूल बिना पंजीयन के ही संचालित किए जा रहे हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे पिपला गुफा के बारे में। पिपला गुफा राजगीर के वैभव पहाड़ पर स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाला स्थान है। ये एक प्राकृतिक गुफा है जो पहरेदारी के लिए इस्तेमाल की जाती थी। बाद में इसे बौद्ध भिक्षुओं का आश्रय स्थल बना दिया गया। इसे काफी बड़ी 22 उच्च प्राचीन पत्थर संरचना स्थानीय रूप से जरासंधा की बैठक के रूप में जाना जाता है। यह स्थान सप्तपर्णी गुफाओं के रास्ते में ब्रह्मा कुंड के ठीक ऊपर स्थित है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह साइक्लोपियन दुर्ग दीवार का एक हिस्सा है जिसे कुछ सैन्य उद्देश्य के लिए बनाया गया था। बौद्ध ग्रंथों में इस स्थान को बुद्ध के मुख्य शिष्य महाकश्यपा के निवास के रूप में पिपला गुफा के रूप में उल्लेखित किया गया है। कुछ शिक्षाविदों के अनुसार यह स्थान जुआन जांग के वर्णन से मिलता है, जहाँ देवदत्त ने अंतिम सांस ली थी, जो कि गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे। RTE के तहत केंद्र से बिहार को मिलेंगे 1585 करोड़ रुपए। शिक्षा का अधिकार कानून यानी RTE के तहत केंद्र सरकार द्वारा बिहार को 1583 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने पर सहमति दे दी गई है। केंद्रांश के रूप में इस पूरी राशि को दिया जाएगा। राज्य में से 3443 प्रारंभिक विद्यालयों में कंप्यूटर लैब की स्थापना की जाएगी और बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने की ये नई कोशिश होगी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगले महीने प्रारंभिक शिक्षा के लिए केंद्र सरकार से 7150 करोड़ एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 766 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, जो कि केंद्रीय बजट पेश होने के बाद मिलेगी।
देश का सबसे बड़ा बापू टावर बिहार की राजधानी पटना में बनकर तैयार। रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गर्दनी बाग स्थित बापू टावर का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने बापू टावर में चल रहे काम का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम नीतीश ने दावा किया कि बापू टावर का अधूरा काम एक महीने में पूरा हो जाएगा, और साथ ही उन्होंने कहा कि बापू टावर को आम लोगों के लिए 1 से 1.5 महीने में चालू कर दिया जाएगा। बता दें कि 129 करोड़ की लागत से बापू टावर का निर्माण किया गया है। करीब 45 करोड़ रुपए की लागत से गांधी जी और बिहार के इतिहास से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई जा रही है। बता दें कि इसका उद्घाटन हो चुका है, हालांकि यहां आम लोगों का प्रवेश फिलहाल वर्जित है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों के 23 विभागों में होगी बंपर भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 1339 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए भर्ती की घोषणा की गई है, जिसके लिए आयोग ने विज्ञापन जारी कर जानकारी दी है। इसके तहत मेडिकल विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए ये भर्ती की जानी है। मेडिकल कॉलेजों के कुल 23 विभिन्न विभागों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 25 जून से 26 जुलाई तक बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार के इन 3 जिलों में बाल गृह संचालन की तैयारी। 19 जिलों में पहले से हो रहा संचालन। बिहार के कैमूर, सुपौल और बांका जिले में जल्द ही बाल गृह का संचालन शुरू करने की तैयारी है। इन जिलों में बाल गृह के संचालन की तैयारी को समाज कल्याण विभाग अंतिम रूप दे रहा है। बच्चों को सुरक्षित और उपयुक्त परिवेश देने के लिए बाल गृहों का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के 19 जिलों में बाल गृह का संचालन पहले से किया जा रहा है, जिसमें पटना, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, जमुई, खगड़िया, जहानाबाद, सिवान, नवादा, पश्चिम चंपारण, रोहतास और सारण शामिल है। इन टिप्स के इस्तेमाल से बारिश में सड़कों पर नहीं फिसलेंगे गाड़ी के चक्के। मानसून का प्रवेश हो चुका है और कुछ ही समय में बारिश का मौसम भी शुरू हो जाएगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो सड़कों पर गाड़ी चलाते होंगे। बारिश के मौसम में सड़कों पर गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस दौरान गाड़ी के चक्के सड़क पर फिसलने का डर होता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे, जिससे आप बेझिझक होकर बारिश के मौसम में अपनी गाड़ी चला सकेंगे। इन कुछ टिप्स से आपकी गाड़ी के टायर सड़कों पर फिसलेंगे भी नहीं और आप सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। बारिश के मौसम शुरू होते ही अपनी गाड़ी के टायर की कंडीशन जरूर चेक करें। गाड़ी के टायर घिसे होंगे तो इनके सड़कों पर फिसलने का डर ज़्यादा होगा। इसके अलावा गाड़ी के टायर का प्रेशर भी चेक कर लें। टायर का यदि सही प्रेशर रहा तो रोड पर इसे ग्रिप बनाने में अधिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा गाड़ी के स्टीयरिंग को भी चेक करें। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम का यूज़ करें, ये गाड़ी की दिशा में नियंत्रण बनाए रखता है। पवन सिंह की बायोपिक फिल्म का फर्स्ट लुक हुआ लॉन्च। भोजपुरी स्टार पवन सिंह अपने स्वैग के लिए जाने जाते हैं, वहीं अब पावर स्टार के जीवन पर फिल्म बनने जा रही है। एक्टर के जीवन पर बनने वाली बायोपिक का नाम पावर स्टार है। भोजपुरी सिनेमा में ऐसी पहली बार होने जा रहा है कि कोई कलाकार अपने ही जीवन पर आधारित बायोपिक में अपना ही किरदार निभाने जा रहा है। इस फिल्म में पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी एक्ट्रेस मधु शर्मा के साथ नजर आएंगे। वहीं मूवी का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर प्यार लुटा रहे हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षा विभाग कर रहा तैयारी। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए एक नई कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत यदि स्कूल का प्रदर्शन कमजोर हुआ या खराब रहा तो वहां के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये कार्य योजना सरकारी स्कूलों के निरीक्षण में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर बनाए जाएंगे। शिक्षा विभाग के इस नए फैसले से सरकारी स्कूल के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। शिक्षा विभाग नए मानकों पर काम करेगा, जिससे बच्चों और शिक्षकों दोनों के प्रदर्शन को आंका जा सके। बिहार के सीतामढ़ी जिले में इस दिन होगा जॉब कैंप का आयोजन। बिहार के सीतामढ़ी जिले में 25 और 28 जून को जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये जॉब कैंप सीतामढ़ी के शांति नगर के संयुक्त श्रम भवन स्थित जिला नियोजनालय में आयोजित होगा। इस जॉब कैंप में शामिल होने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इस जॉब कैंप में महिला और पुरुष दोनों ही भाग ले सकते हैं। जॉब कैंप में भाग लेने के लिए जरूरी है कि आप www.ncs.gov.in पर जाकर निबंधन करें। जॉब कैंप का आयोजन सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान जरूरी है कि आप अपने साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचे।
बेरोजगारों को रोजगार परक बनाने के लिए बिहार सरकार की योजना 18 से 50 वर्ग के बेरोजगार लोगों को रोजगार परक बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत राशि दी जाएगी। 50% तक के अनुदान के साथ 10 लाख रुपए का ऋण उद्योग विभाग द्वारा दिए जाने की तैयारी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। साथ ही आवेदक के पास कम से कम 12वीं पास, ITI पॉलिटेक्निक या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेरोजगार युवा और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार और गुजरात के बाद नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र कनेक्शन आया सामने। बिहार और गुजरात के बाद नीट पेपर लीक मामले के तार अब महाराष्ट्र से भी निकलकर सामने आ रहे हैं। नांदेड़ ATS ने नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र के लातूर से 2 शिक्षकों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए दोनों शिक्षक जिला परिषद के स्कूलों में पढ़ाते हैं। नांदेड़ ATS द्वारा शक के आधार पर जिला परिषद के दोनों शिक्षकों को लातूर जिले में 2 जगह छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। ATS को शक है कि नीट पेपर लीक मामले में दोनों शिक्षक शामिल रहे हैं। नांदेड़ ATS की टीम द्वारा दोनों की गहन जांच की जा रही है। बता दें कि हिरासत में लिए गए शिक्षकों के नाम संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खान पठान बताया जा रहा है। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले की जांच CBI भी कर रही है। बिहार में अनोखे तरीके से चोरों ने ATM से 20 लाख रुपए से अधिक की चोरी को दिया अंजाम। बिहार में अनोखे तरीके से अपराधियों ने ATM से 20 लाख से अधिक की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामला बिहार के मड़वन का है, जहां थाना से महज 500 मीटर दूरी पर स्थित SBI के ATM से अपराधियों ने गैस कटर से ATM काटा, फिर रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह तकरीबन 4 बजे से बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। CCTV कैमरे में देखा जा सकता है कि बदमाश सलवार सूट पहने, चेहरे पर सफ़ेद गमछा बांध कर ATM में घुसता है और गैस कटर से ATM काट कर कैश मशीन लेकर रफू चक्कर हो जाता है। कितना रुपया चोरी हुआ है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं हो पाई है। हालांकि मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक अनुमान लगाया गया है कि तकरीबन 20 लाख रुपए से अधिक रुपए की चोरी हुई है। प्रदेश में मॉनसून का असर पड़ा धीमा। बिहार में मॉनसून का प्रवेश तो हो चुका है, लेकिन अभी भी पूरे प्रदेश में मॉनसून काफ़ी धीमा देखने को मिल रहा है। इसका असर प्रदेश के खेती किसानों पर भी पड़ रहा है। मौसम विभाग द्वारा लगातार बारिश की संभावना जताई जा रही है, बावजूद इसके बारिश बहुत कम जगहों पर देखने को मिला। हालांकि आज भी प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा आज रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और अरवल जिले में 1 या 2 स्थानों पर लू की संभावना जताई गई है। पीछा करने वालों को ना करें अंदाज, ऐसे करें शिकायत। कई बार हमने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में नोटिस किया होगा कि कोई हमारा पीछा करता है। महिलाओं के साथ ये ज़्यादा होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। यदि आपके साथ कोई ऐसा करता है तो पीछा करने वालों से महिला हो या पुरुष, उन्हें सजग रहने और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आज ये आपका पीछा कर रहा हो और बाद में किसी अपराध को अंजाम दे। यदि आपका कोई पीछा कर रहा है और आप इसे लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। यदि आपका कोई पीछा करता है तो आप IPC की धारा 354D के तहत शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। गलत इंटेंशन से पीछा करने वालों को 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा सरकार ने महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। यदि आपका कोई पीछा कर रहा है तो आप हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल कर सकते हैं। इस पर कॉल करते ही आपकी शिकायत आपके नज़दीकी लोकल पुलिस स्टेशन में भेजी जाएगी, फिर आगे की कार्रवाई होगी। नाव से शराब तस्करी का मामला आया सामने। छपरा के डोरीगंज थाना क्षेत्र में शराब तस्करी का मामला सामने आया है। ये शराब तस्करी नाव से की जा रही थी। इस तस्करी में 2 नाव से 1248 और 1816 लीटर विदेशी शराब सहित भारी मात्रा में बियर को जब्त किया गया है। ये कार्रवाई सारण पुलिस उत्पाद विभाग और ALTF की टीम ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान की है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों ही नाव चकिया घाट से जब्त किए गए हैं। शराब की तस्करी नाव में तहखाना बनाकर की जा रही थी। हालांकि छापेमारी के दौरान शराब तस्कर भाग निकले, लेकिन इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। CM नीतीश और PM मोदी पर तेजस्वी ने कसा तंज। लगातार ध्वस्त हो रहे पुलों को लेकर बिहार की राजनीति में सियासत तेज है। बिहार में लगातार पुल गिरने को मुद्दा बनाकर RJD केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांग रही है। 1 सप्ताह के भीतर बिहार में तीसरा पुल गिरने के बाद पूर्व डिप्टी CM और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने
केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा तंज कसते हुए एक्स पर लिखा है कि पुल गिरे, भ्रष्टाचार के गुल खिले। 18 वर्षों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बेचारे दो दो उप मुख्यमंत्री तो इन सब के बारे में जानते ही नहीं है, जानकर भी क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। डबल इंजन धारी लोग कह देंगे कि पुल खुदकुशी कर रहा है या चूहे पुल को कुतर रहे हैं। दरअसल एक ही हफ्ते में 3 पुल गिर जाने को लेकर सरकार की तरफ से अब तक कोई एक्शन नहीं लिए जाने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने राजद पर कसा तंज। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने राजद पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भारत में ये स्वस्थ परंपरा रही है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो 4 लोग कंधा देते हैं। इस बार लोकसभा में राजद को कंधा देने के लिए 4 सांसद को बिहार की जनता ने जिताया है। इसके लिए तेजस्वी यादव को जनता का आभार प्रकट करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि लालू यादव की बदनामी और तेजस्वी यादव की नाकामी के बावजूद अगर जनता ने उन्हें 4 कंधा दिया है तो आभार प्रकट करना बहुत जरूरी है। जो लोग नौकरी के बदले जमीन देते हैं, बिहार में भ्रष्टाचार करते हैं, वैसे लोगों का साथ देने वाली बिहार की जनता नहीं है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने डॉक्टरों की फीस की कम। पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव अपना पद संभालते हैं, एक्शन मोड में आ चुके हैं। दरअसल उन्होंने डॉक्टर की फीस कम कर दी है, जिसके तहत फिजिशियन की फीस 500 और सर्जन की 300 कर दी गई है। ये फीस आईएमए की सहमति से कम की गई है। इसके अलावा बीपीएल धारियों के इलाज और जांच में विशेष छूट दी गई है। इस संबंध में पप्पू यादव ने बताया है कि बीपीएल धारियों को एक्सरे के लिए 200 और सीटी स्कैन के लिए 1200 रुपये देने होंगे। उन्होंने कहा कि अब डॉक्टर एक महीने के अंदर दोबारा फीस नहीं ले सकते हैं। वहीं निजी नर्सिंग होम में भर्ती गरीब मरीजों के इलाज में 30% तक की छूट दी जाएगी। आज सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी भारतीय टीम। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम सेमीफाइनल की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही है। बांग्लादेश के खिलाफ टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम में विराट कोहली भी अब अपने फॉर्म में आ चुके हैं। विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान 28 गेंद में 37 रन की पारी खेली है। अब भारतीय टीम सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी। ये मुकाबला आज सेंट लूसिया के डेरेन सैमीज नेशनल स्टेडियम में देखने को मिलेगा। आज के होने वाले मैच में इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया में किस टीम का पलड़ा भारी आपको नजर आ रहा है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1206 में दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में ताजपोशी हुई थी। आज के दिन वर्ष 1564 में भारत की वीरांगना महारानी दुर्गावती मुगलों से जंग के दौरान शहीद हुई थी। आज के दिन 1963 में डाक एवं टेलीग्राफ विभाग ने राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरुआत की थी। आज के दिन वर्ष 1980 में भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1961 में भारत के पहले स्वदेशी एचएफ सुपर 24 सोनिक लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी थी। आज के दिन वर्ष 1986 में भारत सरकार ने और विवाहित महिलाओं के लिए भी मातृत्व लाभ को स्वीकृति दी थी। आज के दिन कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और पासपोर्ट सेवा दिवस मनाते हैं। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अयोध्या धाम स्टेशन के बारे में। एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हाल ही में उद्घाटन किए गए नए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का 4 दीवारी ढह गई है, लेकिन इस वीडियो में दिखाया जा रहा है बाउंड्री वॉल पुराने स्टेशन का हिस्सा है। ये दीवार एक निजी व्यक्ति द्वारा खुदाई कार्य के समय और निजी क्षेत्र में जल जमाव के कारण गिरी। इस खबर को PIB फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है, जहां इस खबर की पुष्टि की गई है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी भी खबर की पुष्टि करने के बाद ही उस पर विश्वास करें। AI को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने जारी की वित्तीय मदद। इंडिया AI मिशन का इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने ऐलान किया है, जिससे AI को भविष्य में बढ़ावा दिया जा सके। मंत्रालय द्वारा 10,372 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है, ताकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और थ्योरी नॉलेज के बीच के गैप को कम किया जा सके। ग्लोबल इंडिया AI समिट में इंडिया AI मिशन को सरकार द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जुलाई महीने के पहले हफ्ते के लिए ग्लोबल इंडिया AI समिट को शेड्यूल किया गया है। ये 2 दिन का इवेंट होगा, जिसकी तारीख 3 और 4 जुलाई होगी। इसका आयोजन नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। हर कैटेगरी में BTech और MTech के 10-10 छात्र शिक्षण संस्थान द्वारा AI प्रोजेक्ट के लिए चुने जाएंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है राजीव कुमार, विजय कुमार मंडल, मुन्ना प्रसाद, रंजीत मिश्रा, मंटू कुमार, राकेश मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, मिथिलेश कुमार, कुमकुम कुमारी, अति खान, संजीव कुमार, गोनर शर्मा, शोभानंद ठाकुर, सबीला खातून, भरत प्रसाद, मोहम्मद अनवर, मनोज कुमार साह, रवि कुमार, कुमकुम कुमारी,
इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, मॉनसून के आगमन से आपके क्षेत्र में तापमान में कमी आई है या नहीं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।